एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और वीडियो में। आज हम आप सभी के बीच लेकर आए हैं हिमाचल के सबसे पुराने किले की जानकारी को लेकर। हिमाचल के सबसे बड़ा जिला कांगड़ा में बसा है यह हिमाचल का सबसे पुराना किला, जो कांगड़ा में बाणगंगा नदी के किनारे बसा है। कैसे यह किला हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना किला बनता है, आज हम उसी के बारे में ही बात करेंगे। बात है उस समय की जब हिमाचल ना होकर चार जनपदों में बंटा हुआ था और आज का कांगड़ा और जिसे हम नगरकोट के नाम से भी जानते हैं वह नगरकोट और कांगड़ा ना होकर त्रिगत ही कहलाता था। जी हाँ, त्रिगत, जिसकी स्थापना कटोच वंश के चंद्रवंशी राजाओं ने की थी और इन्हीं के 234वें राजा जिन्होंने महाभारत हिंदुस्तान या भारत का सबसे बड़ा युद्ध जिसे महाभारत भी कहा गया है उसमें कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ा था। जी हाँ, राजा सुशर्मचंद के द्वारा यह किला बनाया गया था। इस किले पर कब्जा करने की बात यदि कहे जाए तो बहुत से बाहरी आक्रमण इस पर हुए थे। सबसे पहले तो 1009 में ही मोहम्मद गजनवी के द्वारा इस पर आक्रमण किया गया था और फिर 1337 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने भी इस पर आक्रमण किया और उसके बाद आक्रमणों की यह कार्रवाई निरंतर चलती रही, जिसको आगे 1365 में फिरोजशाह शाह तुगलक ने भी इस पर आक्रमण किया। यही बात नहीं रुकी, मुगल वंश भी इस किले पर आक्रमण करने के लिए पीछे नहीं रहा और मुगल वंश का जो पहला किलेदार नियुक्त यहां पर किया गया वह नवाब अली खान था और मुगल वंश का जो आखिरी किलेदार इस किले का था वह सैफ अली खान था। यहां तक कि गोरखा, जी हाँ, गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा ने भी 1805 में कांगड़ा के महान राजा राजा संसार चंद को हराकर इस किले पर कब्जा किया गया था और उसके बाद राजा संसार चंद के द्वारा महाराणा रणजीत सिंह के साथ संधि करके 1809 में यह किला छुड़वाया गया था। संधि में जो तय हुआ था कि जीतने के बाद यह किला तथा 76 गांव महाराणा रणजीत सिंह को दिए जाएंगे और उसके बाद यह किला उनके अधीन हुआ। यही नहीं, बात करें यदि अंग्रेजों की तो 1846 में अंग्रेजों के अधीन भी यह किला रहा और उसके बाद यदि बात करें आजादी की तो आजादी के बाद यह किला आया जो कि यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन थे उनके अंतर्गत और 4 अप्रैल 1905 को जो बड़ा भूकंप यहाँ पे आया था उसमें यह किला भी ध्वस्त हुआ था। आज भी यह किला हिमाचल के पुराने इतिहास को लेकर अभी भी बरकरार है और एक आकर्षण का केंद्र रहता है यहाँ पर आने वाले टूरिस्ट के लेकर। यदि आपको हमारी आज का ये वीडियो हमेशा की वीडियो की तरह पसंद आया है तो हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड ऑन आवर चैनल। तब तक के लिए जय हिंद।